सब्सक्राइब कीजिए अराइव एंटरटेनमेंट को और नोटिफिकेशन के लिए घंटी जरूर दबाएं सबसे पहले हमारी वीडियो को देखने के लिए। हेलो एवरीवन, आप देख रहे हैं अराइव एंटरटेनमेंट। यस, एज यूजुअल यू आर वाचिंग अराइव एंटरटेनमेंट। एब्सोल्युटली। सो गाइस, टाइटल तो हम नहीं बता रहे हैं, आप डिस्क्रिप्शन में देख लेना। और इस क्या इस वीडियो में होने वाला है मुझे नहीं पता, पता नहीं है यूट्यूबर क्या करके रहेंगे। मतलब हमारे ये रिएक्शन ऐसे वाले रिएक्शन देखना चाहते हैं जो हमें थोड़ा गालियों शालियों पे पता नहीं क्या होने वाला है। डोंट नो, बट रिएक्शन दे देती हूँ मैं हर पहली बार कि ये न्यू वीडियो जस्ट भी आई है, तो हमने सोचा ट्रेंडिंग पे ही काम करने वाले हैं भाई, क्योंकि माशाल्लाह आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर रहे हैं और देख रहे हैं, तो हमने सोचा हम भी आपके लिए लेटेस्ट काम करते हैं। क्यों फैसला, कुछ कहना चाहोगे? मैं तो ये कहना चाहूंगा कि देखते हैं हर पहली बार साहब क्या लेकर आए, कुछ नया। बिल्कुल, अपने रिएक्शन के साथ देखते हैं। स्टार्ट। सुनो पापा मम्मा ना शाम में 7 बजे शादी पे जा रहे हैं, तो ना कल आराम से आएंगे, तो मैं ना आज घर पे अकेली थी, तो तुम शाम में आ जाना। हाँ हाँ, कोई दिक्कत नहीं, मैं आ जाऊंगा। अन्नी। हाँ माँ। के कर रहे अंदर? साबुन लाऊं था। मारी तो समझ में ही नहीं आ रहा, जो साबुन लगा रहा है माँ बाप का चूना लगा रहा है। नू तो नहाता नहीं, और नहाता तो फिर बाहर नहीं आता। जल्दी आ, निकल बाहर। आ गया। अब कब तक चांद के चक्कर लगाओगे? कभी तो लैंड करा दो अपने रॉकेट को। मतलब? अरे डफर, मतलब शाम को ना कॉन्डम लेके आना। आ पापा, वो 20 रुपए चाहिए थे। मुर्गी छाप कॉन्डम्स ओनली 20 रुपए। 20 रुपए? 20 नहीं पापा, 30 रुपए। 30 रुपए कहूँ था, आपने के 20 सुन गई। किसने चाहिए भाई? फॉर अनलिमिटेड सेक्स। ग्रुप स्टडी पापा, ग्रुप स्टडी करने जाऊँ था तो कॉपी चाहिए थी। ग्रुप स्टडी इस टाइम? ओ यस, एनी टाइम, एवरी टाइम, 24 घंटा। पापा फिर रात ने विक्की ने जाना है बुआ के, इबे फ्री था वो। सही है, बना लो माँ बाप का पागल। थैंक यू पापा, सॉरी पापा। देख अन्नी, डर मत ना, कॉन्डम लेना है खांचा थोड़ी लेना है जो इतना डर रहा है। आराम से जा दुकान वाले पे और बोल भैया कॉन्डम, थोड़ा रोबता मांग, रोबता भैया मैंने कॉन्डम दे दो। कॉन्डम दे दो भैया, मैंने कॉन्डम दे दो भैया, मैंने प्लीज कॉन्डम दे दो प्लीज, हाथ जोड़ू भैया कॉन्डम दे दो, कॉन्डम एक चॉकलेट फ्लेवर भैया दे दो भैया, कॉन्डम दे दो, ये कॉन्डम मैंने दे दे ठाकुर छोटू, एक प्लेट कॉन्डम लगा दे, एक चुटकी कॉन्डम की कीमत तुम तो जान लो बाबू भैया। कॉन्डम 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 कॉन्डम। अन्नी के कर रहे हैं, किससे बात कर रहे हैं? कुछ ना माँ, कुछ कुछ ना करता। अरे अन्नी भैया, क्या हाल है? बढ़िया भाई, आप जानते हो मुझे? अरे बिल्कुल जानते हैं भैया, आपके पापा तो खास आदमी है ना। और कैसे हैं अंकल जी? एकदम बढ़िया भाई, आप बताओ। कुछ चाहिए था क्या? अरे नहीं भाई, कैसी बात कर रहे हो, केमिस्ट पर मेरा क्या काम, मैं तो नुए आ गया था टहलते टहलते। क्या बात कर रहे हो अन्नी भैया, दोपहर के 2 बजे? दो बज गए के पता नहीं लगा टहलते टहलते ना, तो इसलिए थैंक यू। अरे नानी, कोई दूसरी दुकान देखनी पड़ेगी, अरे दिक्कत हो जाएगी। मिल गई दुकान।
नहीं मेरे भाई, घनी बड़ी डील ना ये, कंसंट्रेट कर, कंसंट्रेट। हाँ, कॉन्डम, 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 कॉन्डम। क्या हो गया इस देश के यूथ को? खाली दुकान चेक, घर से दूर चेक, अननोन ओनर चेक, जय भोलेनाथ की। मैं बेवकूफ आदमी नहीं मिलता सांडे का तेल मेरी दुकान पे। तेज चला ले अपने हाथ। भैया वो छोटे सामान निकाल दियो इनका जरा। कितनी हो रही है आपको भैया? वो हो गया ना, शैम्पू भी दे देना। कफ सिरप भैया, कफ कफ सिरप ना चाहिए, वो चाहिए था पैकेट वगैरह ना। भैया जल्दी कर दो प्लीज। कौन 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 कॉमी फ्लेम? छोटू एक कॉमी फ्लेम ले यार। कॉमी फ्लेम ना चाहिए मैंने, वो हुआ है ना भाई। क्या वो थैली, पन्नी, छतरी, रेनकोट, कवच? ये साफ साफ बताओ ना, चाहिए क्या? क्यों केबीसी खेल रहे हो मेरे साथ तुम? ये थोड़ा जल्दी करो ना। कौन दम चाहिए? थैंक यू भैया, मैंने कॉन्डम चाहिए था, ले आओ। अभी लाया आपके लिए। ओ छोटू, ओ दो विक्स दे दे यार, सिगरेट नहीं पी पा रहा मैं। अन्नी। मैं अंकल। आ बेटे तुम अन्नी हो ना? नहीं नहीं अंकल, किसी बात कर रहे हो आप? मैं किसी अन्नी अन्नी में ना जानता, सॉरी अंकल। बेटे सुनो, आप मेरी बात तो सुनो, इधर देखो, मैं आपको बहुत अच्छे से जानता हूँ। आप लाल जी के बेटे हो, सेक्टर 24 रोहिणी, आपके दो जोड़ी भाई बहन भी है, पता है मेरे को। वो जो थोड़े गंजे से हैं? हाँ जी वही। भुंडी शक्ल है जिनकी? बहुत ज्यादा। और जो बड़के रह भी, मतलब? बिल्कुल करेक्ट। ना मैं ना जानता, सॉरी। बेटे सुनो, मेरी बात तो सुनो। मैं आपके घर पे आया था दिवाली पे, मैंने मिठाई दी थी आपको, हमने पटाखे चलाए थे, सामने वाली दादी की नाक में रॉकेट मारे थे हमने। अंकल कोई गलत फहमी हुई होगी, मैं तो दिवाली पे था ही नहीं अड़े, मैं तो अपनी नानी के जा रहा था, उड़ा फोड़े थे मैंने रॉकेट, याड़ा नहीं। उसकी शक्ल तो सेम है मेरी जी, मैंने दे रहा है, कहीं ना बताई थी कि मेरी शक्ल सेम है लड़के जी सी। सॉरी अंकल। भैया ये रहा आपका चीकू फ्लेवर कॉन्डम। पहना के दूं? किसी बात कर रहे हो है? ये गंदी गंदी चीजें देने लग रहे हो, मैंने को कौन कौन कॉर्नफ्लेक्स मांगे थे तम यो के छी, हे भगवान, गंदा बुढ़ा। वो अंकल मैंने कॉन्डम चाहिए। हाँ आपको कैसे पता लगा अंकल जी? अरे बेटे 1970 से मेरी घर शॉप है, चेहरा देख के बता तो बंदे को क्या चाहिए। थैंक यू अंकल। फर्स्ट टाइम? हाँ हाँ जी। छोटू भैया को 50 एमजी निकाल दे दो गोली। अरे हमारे बड़े बुजुर्ग कह गए हैं साइज डजंट मैटर, स्टेमिना मैटर्स। ठीक
फर्स्ट किस यहाँ पे, सेकंड किस यहाँ, थर्ड यहाँ, मतलब आप इधर भी कर सकते हो, फोर्थ में शेयरिंग दे रहा है। ठीक है अंकल जी, थैंक यू सो मच। और सुन इधर आओ, शर्माओ मत आप पहले तो। सेक्स एक ऐसी बॉडी नीड है कि हर इंसान को करना चाहिए, मतलब आए सेक्स, चाहे सेक्स, अभी सेक्स, बाद में सेक्स, उठते ही सेक्स, सोने से पहले सेक्स, सोने के बाद सेक्स, सेक्स करते वक्त सेक्स, सेक्स में सेक्स, because it's sex life। ठीक है अंकल जी, इतना काफी है, मैं चलता हूँ, थैंक यू सो मच। और आपको कोई मेरी तरफ से हेल्प चाहिए, 24/7 मेरी अरोड़ा मेडिकल शॉप खुली है, तो मैं साथ भी चल सकता हूँ। कैसी बातें कर रहे हो अंकल जी आप, मेरी गर्लफ्रेंड है वो, तो मैं कुछ करूंगा नहीं टच, मतलब दूर से आपको बता दूंगा ऐसे ऐसे करना। अरे ना अंकल, इतना काफी है, आप ये अपने पीछे रखो, थैंक यू सो मच। अच्छा बेटा, अच्छे से करके आना, झंडे गाना ना हैशटैग सेक्स लाइफ। अरे अरे भाई साहब, देखते लिया करो यार, सर छाती में टक्कर मारी है। अरे बेटा सॉरी सॉरी, वो ध्यान नहीं था ना, इसलिए टक्कर लग गई। और ये ले आपका सामान। अरे भाई साहब अपना सामान ले लो। अरे भाई साहब मेरा नहीं है, आपका होगा। अरे भाई साहब आपकी जेब से गिरा है तो आपका ही होगा ना। अरे कह दी जब मेरा नहीं है, आपने रखना तो रखो ना, तो फेंक दो इसने। पहले थोड़ा स्टार्टर खा लेता हूँ। अरे आप कहाँ रह गए, जल्दी आइए, कितना लेट कराते हैं, सब मुझे वेट कर रहे हैं। वीडियो अगर आपको वीडियो पसंद आए तो मेक श्योर आप वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ और चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। एंड गाइस कमेंट सेक्शन में बताएं कि वीडियो का अच्छा पार्ट क्या था, अगर आपको कुछ बुरा लगा तो वो भी बताएं, कोई भी फीडबैक हो वो जरूर बताएं ताकि हमें इंप्रूव होने का चांसेस मिले। एंड गाइस 1 दिसंबर को वर्ल्ड एड्स डे है, जिसके अंदर हम अवेयर करेंगे लोगों को कि एड्स कैसे ना फैले। तो गाइस मेक श्योर आप कॉन्डम यूज करें, प्रोटेक्शन यूज करें ताकि आपको STDs ना हो, अनवांटेड प्रेगनेंसी ना हो। तो इट्स फाइन टू यूज कॉन्डम, और कोई शर्म नहीं है इसके अंदर कॉन्डम मांगने में। तो बेझिझक मांगे, जैसे सैनिटरी पैड मांगते हैं उसमें कोई शर्म नहीं है, ऐसी कॉन्डम में भी कोई शर्म नहीं है। खुल के जाओ दुकान वाले पे, बोलो मुझे कॉन्डम चाहिए, कॉन्डम कॉन्डम। यही सोच लो जल्दी, कॉन्डम। अगर इस वर्ड पे अगर हम ध्यान ना दें डैश डैश,
तो वीडियो का कंटेंट बहुत अच्छा है। अभियान कराने के लिए वीडियो तो नहीं काफी अच्छी मजा आया बट लेकिन हाँ वर्ड है बट वर्ड जो है वो थोड़ा ऑकवर्ड सा है बट लेकिन वीडियो जो बनाई उन्होंने अच्छा मैसेज दिया बिल्कुल बिल्कुल एनीवेज तो कैसे लगी आपको इस पे हमारी रिएक्शन कमेंट में जरूर बताइएगा नेक्स्ट वीडियो में लेकर आएंगे हम आपके लिए कुछ खास हफ्ते के लिए देखते रहिए एंटरटेनमेंट अच्छा